हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही डरावनी और सच्ची हॉरर स्टोरीज़। इनमें से दो स्टोरीज़ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं और एक स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। तो पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे उत्तर प्रदेश से रणवीर जी ने भेजी है। तो अब यहाँ से आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम रणवीर है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरे साथ साल 2021 की 2 जून की रात को मेरे गांव में घटी थी। मेरा गांव उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर ज़िले में पड़ता है। दरअसल उस समय मेरे गाँव में मेरे एक मामा जी की शादी थी। शादी की वजह से गाँव में हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था। शादी की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही थी और उस दौरान परिवार के सभी लोगों का खाना पीना और सोना साथ में ही होता था। तो ऐसे ही साल 2021 की 2 जून की रात को मैं अपने चार चचेरे भाइयों के साथ अपने घर की छत पर सो रहा था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। बात यह है कि मेरा गांव वाला घर खेतों के काफ़ी नज़दीक है। इतना नज़दीक कि मेरे घर की छत से खेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। खैर, जब मैं अपने भाइयों के साथ छत पर सो रहा था तभी अचानक रात के 1 बजे किसी आवाज़ से मेरे एक भाई की नींद खुल गई। नींद खुलते ही वो उठकर देखने लगा कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी गलती से उसका पैर मेरे हाथ पर लग गया जिससे मेरी भी नींद खुल गई। फिर नींद से उठते ही मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? तब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो आराम से सो रहा था लेकिन पता नहीं किसी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। तब मैंने अपने भाई से कहा कि अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे प्यास लगी है, चलो चलकर पानी पीकर आते हैं। तब उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर जैसे ही हम दोनों पानी पीने के लिए छत से नीचे जाने लगे वैसे ही हमने देखा कि हमारे घर के पास वाले खेत के सामने 3-4 आदमी खड़े हैं। वो चारों आदमी वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। मुझे लगा शायद वो लोग किसी ज़रूरी काम से खेत आए होंगे, इसलिए मैंने उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैं और मेरा चचेरा भाई पानी पीने के लिए नीचे कमरे में चले गए। फिर जब पानी पीकर हम दोनों वापस छत पर आए तब हमने देखा कि अब खेत के पास 4 नहीं बल्कि सिर्फ 1 आदमी खड़ा है और वो आदमी अब सीधा हमारी तरफ ही देख रहा है। फिर हमारे देखते ही देखते वो आदमी लंबा होने लगा। लंबा होते होते वो आदमी एक पेड़ के बराबर का हो गया। ये सब देखकर मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी एक फ़ोटो खींच लूँ ताकि जब मैं लोगों को इस घटना के बारे में बताऊँ तब वो मेरी बात का विश्वास कर लें। ये ख्याल आते ही मैं जल्दी से अपने बिस्तर के पास गया और अपना मोबाइल उठा लाया। फिर जैसे ही मैं उस भयानक आदमी की फ़ोटो खींचने वाला था वैसे ही वो आदमी हमारी आँखों के सामने ही गायब हो गया। ये सब देखकर मेरी और मेरे भाई की डर के मारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर उस पूरी रात हम दोनों को नींद ही नहीं आई। रात में हमने ये बात किसी को नहीं बताई लेकिन अगले दिन हमने ये बात अपनी नानी को बता दी। तब नानी ने हमसे कहा कि तुम लोग डरो नहीं, वो तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है। नानी ने हमसे ये बात किसी से भी ना बताने को कही थी। खैर, फिर उस दिन के बाद से दोबारा कभी भी हमारे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। मेरी नानी उस अजीब आदमी के बारे में जानती हैं लेकिन मेरे बहुत बार पूछने के बाद भी नानी ने कभी भी मुझे उस रहस्यमय आदमी के बारे में नहीं बताया। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो आदमी या वो चीज़ आखिर था क्या। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे ही सब्सक्राइबर की भेजी एक और बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। ये घटना मुझे मुंबई से अजीत जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अजीत तिवारी है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरी पत्नी के साथ हुई कुछ बहुत ही भयानक और बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूँ। ये घटना साल 1997 की है। उस समय मैं 18 साल का था। तब मैं और मेरा परिवार किराए के एक घर में रहते थे। जिस घर में हम सब रहते थे वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए हमने एक दूसरा घर किराए पर ले लिया था। इस नए घर में पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी और साथ ही इसका किराया भी काफ़ी कम था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उस नए घर में हमारे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, जैसे कि कभी कभी रात को हमें किसी औरत के पायल पहन के चलने की आवाज़ आती थी। कई बार घर का सामान अचानक से अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाता था और अक्सर ही मुझको ऐसा लगता था जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है, वो भी तब जब मेरे आसपास कोई भी नहीं होता था। ये सब घटनाएँ बहुत अजीब थी लेकिन ये चीज़ें इतनी डरावनी नहीं थी कि हम लोग उस घर को ही छोड़ दें। इसी तरह से दिन बीतते गए और फिर एक रोज़ मेरे घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे और सिर्फ मैं ही अपने घर पर अकेला बचा था। उस दिन मैं टीवी देखते देखते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत ताकत से मेरा गला दबा रहा हो।
उस समय मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। फिर गले पर दबाव महसूस होते ही तुरंत ही मेरी आंखें भी खुल गईं। आंखें खुलते ही मैंने देखा कि एक बहुत बुरी तरह से जली हुई औरत मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रही है। उस औरत के एक पैर पर सफ़ेद पट्टी भी बंधी हुई थी। ये सब देखकर डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। फिर मेरी नज़र पड़ते ही वो भयानक औरत मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर जब मेरे परिवार वाले वापस घर लौटे तब मैंने उनको इस घटना के बारे में बताया, लेकिन मेरे घर के किसी भी सदस्य ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। सबको यही लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। इस घटना के बाद भी मेरे साथ कई बार अजीब घटनाएं हुईं। साथ ही हमारे घर में जो अजीब घटनाएं हो रही थी वो भी वैसे ही होती रहीं। इसी तरह उस घर में रहते हुए हमें 7 साल बीत गए। फिर 7 साल बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ही अचानक से मेरे और मेरी बीवी के साथ पैरानॉर्मल घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होने लगी थीं। इन घटनाओं के बारे में मैंने जब आस पड़ोस के लोगों से पूछा तब एक औरत ने हमको बताया कि जिस घर में हम रह रहे हैं हमसे पहले उस घर में एक राजस्थानी औरत अपने पति के साथ रहती थी। उस औरत का पति बहुत शराब पीता था और शराब के नशे में वो रोज़ अपनी पत्नी को मारता था। एक बार जब वो आदमी अपनी बीवी को मार रहा था तभी उसकी पत्नी का पैर जमीन पर पड़े चाकू से कट गया था, जिस वजह से उस औरत को अपने पैर पर पट्टी करवानी पड़ी थी। फिर रोज़ रोज़ के इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर उस औरत ने उसी घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सब सुनते ही डर के मारे मैं कांप गया। मैं समझ गया कि उस दिन जो जली हुई सी औरत मेरा गला दबा रही थी वो वही थी जिसने आग में जलकर आत्महत्या की थी। मैंने उस औरत के एक पैर में सफ़ेद पट्टी भी बंधी हुई देखी थी। ये सब जानने के बाद मैं बहुत घबरा गया था। मुझे अपनी और अपनी पत्नी की बहुत चिंता हो रही थी। मैं जल्द से जल्द वो घर छोड़ना चाहता था लेकिन किसी दूसरी जगह कोई ढंग का घर ही नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझको बताया कि रात को उसने कमरे की दीवार से किसी औरत के 2 हाथों को बाहर निकलते हुए देखा था। ये देखकर वो बहुत डर गई थी लेकिन ये बात उसने मुझको रात में नहीं बताई। अपनी पत्नी की बात पर मैंने उससे कह दिया कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं जानता था कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ एक औरत की आत्मा भटक रही है, लेकिन मैंने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। फिर कुछ दिन बाद ही अचानक एक रात को किसी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैंने देखा कि मेरे बेड के सामने वाली दीवार से किसी औरत के बहुत भयानक तरीके से हंसने की आवाज़ आ रही है। फिर मेरे देखते ही देखते उस दीवार से लाल चूड़ियाँ पहने हुए 2 हाथ बाहर निकलने लगे। ये पूरा नज़ारा किसी हॉरर फिल्म जैसा था लेकिन ये सब मेरे साथ रियल में हो रहा था। वो भयानक नज़ारा देखकर मुझे कितना डर लगा था ये बात मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। फिर मैंने भी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मेरे हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो दोनों हाथ वापस उस दीवार के अंदर चले गए। मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज़ से मेरी पत्नी भी नींद से जाग गई। नींद से जागते ही मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हैं। उसकी इस बात पर मैंने उससे कह दिया कि मैंने एक बुरा सपना देखा था। फिर उस दिन के बाद ही मैंने अपने घर में हवन वगैरह करवाया ताकि उस भयानक आत्मा से मेरे परिवार को कोई खतरा ना रहे। फिर इसी तरह से पूजा पाठ के सहारे हमने कई और साल उस घर में बिताए। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक घर खरीद लिया। यहाँ पर एक और बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर 18 साल तक मैं उस मनहूस घर में रहा और जब तक मैं उस घर में रहा तब तक मेरे परिवार में बहुत अशांति रही। उस घर में रहते हुए मेरे परिवार में बहुत झगड़े होते थे। साथ ही मेरी पत्नी को भी उस घर में कभी कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट होने के 1 साल बाद ही मेरी पत्नी को भी औलाद हो गई। मेरा मानना है कि इस तरह के मनहूस घर में कभी भी किसी भी इंसान को नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारे निजी जीवन में और पारिवारिक रिश्तों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी मेरे सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 रियल हॉरर स्टोरीज और अब मैं आपको सुनाता हूँ अमेरिका के जंगल में घटी एक बहुत भयानक और बिल्कुल सच्ची घटना। ये घटना रेडिट पर MAY1400 यूज़र नेम वाली एक लड़की ने शेयर की थी। तो अब यहाँ से आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मेरे साथ नॉर्थ कैरोलिना के जंगल में घटी थी। ये घटना बिल्कुल सच्ची है लेकिन इसको आप सच मानते हैं या झूठ ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। हालांकि एक बात मैं आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अमेरिका के जंगलों में कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसके बारे में आम इंसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और इसी वजह से अक्सर इन जंगलों में लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। इस घटना से पहले मैं पैरानॉर्मल या सुपरनेचुरल चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इस घटना के बाद मैं समझ गई हूँ कि इंसानों की इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं
जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं और इन चीज़ों के बारे में इंसानों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। खैर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक 21 साल की लड़की हूँ। मैं अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य की रहने वाली हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 18 साल की थी। दरअसल जब मैं 18 साल की थी तब एक बार मैं अपने कई दोस्तों के साथ नॉर्थ कैरोलिना के ही नैनटहाला नेशनल फॉरेस्ट गई थी। हमने वहाँ पर कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। हम सब सुबह के 11 बजे ही नैनटहाला नेशनल फॉरेस्ट पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने अपना कैंप लगाया। हमने एक झील के पास ही अपने 4 टेंट लगाए थे। हर टेंट में 2 लोगों को रुकना था क्योंकि हम टोटल 8 लोग वहाँ पर कैंपिंग के लिए आए थे। टेंट लगाने के बाद हमने रात को कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करी। फिर दोपहर के 2 बजे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सब ने सोचा कि क्यों ना कोई खेल खेला जाए। तब हम सब ने तय किया कि हम लोग हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई खेलेंगे। इस खेल का नियम यह था कि एक शख्स झील के पास जाकर अपनी आंखें बंद करेगा और 30 तक की गिनती गिनेगा जबकि बाकी लोग जंगल में जाकर छुपेंगे। बाद में गिनती गिनने वाला शख्स जंगल में छुपे लोगों को ढूंढेगा। इस खेल का एक नियम यह भी था कि छुपने वालों को सिर्फ उतनी दूरी पर जाकर छुपना है जहां से झील साफ साफ दिखाई देती हो। तो खेल शुरू होते ही मेरा एक दोस्त झील के पास जाकर 30 तक गिनती गिनने लगा और हम सब उससे छुपने के लिए भागकर जंगल में चले गए। मैं भी भागकर जंगल में चली गई। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही मैंने एक बड़ा सा पेड़ देखा जो कि अपनी जड़ से उखड़ा हुआ था। वो पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने सोचा कि छुपने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। यही सोचकर मैं उस पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। मुझे उस जगह पर मुश्किल से 5 मिनट ही बीते थे कि तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम पुकारते हुए। वो बिल्कुल हल्की आवाज़ थी, बिल्कुल स्मूथ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी मम्मी की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मम्मी मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के बहुत करीब हूँ और मैं कहीं पर भी उनकी आवाज़ को पहचान सकती हूँ। वो आवाज़ पक्के तौर से मेरी मम्मी की ही थी। मैं ये तो जानती थी कि ये आवाज़ मेरी मम्मी की है, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मेरी मम्मी इस समय यहाँ से 42 किलोमीटर दूर घर पर हैं। वैसे भी मैं कैंपिंग के लिए अपनी मम्मी को बता कर आई थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाए। और अगर मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर आती भी, तब भी वो मुझे झील के पास से आवाज़ देती, ना कि जंगल के अंदर से। उस आवाज़ को सुनकर मैं ये तो समझ गई थी कि ये मेरी मम्मी की आवाज़ नहीं हो सकती। साथ ही मैं ये भी समझ रही थी कि मुझे इस आवाज़ से दूर भागना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उस समय भावनाओं का तूफान सा आ गया था। मुझे ऐसे ख्याल आने लगे थे कि क्या हो अगर मेरी मम्मी जंगल के अंदर घायल पड़ी हूँ, मुझे उनकी मदद करने के लिए जंगल के अंदर जाना चाहिए। उस समय मेरा खुद पर कोई काबू ही नहीं रह गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया हो या अपने वश में कर लिया हो। फिर अपनी मम्मी के बारे में सोचते हुए ही मैं पागलों की तरह जंगल के अंदर उस तरफ जाने लगी जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ दूर जंगल में अंदर जाने के बाद अचानक से मम्मी की आवाज़ आना बंद हो गई। जिस जगह पर वो आवाज़ आना बंद हुई थी वहाँ पर जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। फिर उस आवाज़ के बंद होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नींद से जागी हूँ। तब मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया है जो मैं इस जगह अपने साथियों से दूर एक अनजान आवाज़ के पीछे जंगल के इतना अंदर चली आई हूँ। मैं समझ गई थी कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि मैं जंगल के इतना अंदर आ चुकी थी कि वहाँ से ना तो मुझे झील दिखाई दे रही थी और ना ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही मुझे समझ आ रहा था। मैं वहाँ पर खड़ी होकर वापस अपने कैंप तक जाने का रास्ता खोज रही थी कि तभी अचानक से मुझे एक और अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अजीब सी कटकट करने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने दांत किटकिटा रहा हो। साथ ही उस समय मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। फिर तभी मुझे अपने आसपास किसी के चहलकदमी करने की आवाज़ आने लगी। फिर अचानक ही कोई जीव पेड़ों के पीछे से छुपते हुए बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। जंगल के काफ़ी घने होने की वजह से मैं उस जीव को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी तरफ बढ़ते हुए उसके भारी कदमों की आवाज़ मैं साफ साफ सुन सकती थी। तभी मैंने भी अंदाज़ा लगाकर उस तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ मुझे लगा कि शायद मेरा कैंप इसी तरफ है। मैं बहुत तेज़ी से उस जगह से दूर भाग रही थी और मैं ये भी जानती थी कि कोई बहुत ही खतरनाक जीव मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने पीछे आते उन भारी कदमों की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुन सकती थी। एक बार मेरे मन में आया भी कि मैं पीछे पलट कर देखूं कि आखिर ये चीज़ है क्या जो मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं पीछे पलटी तो मेरी रफ्तार कम हो जाएगी
और फिर शायद वो जीव मुझको पकड़ लेगा और उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी। ये सब सोच कर ही मैंने पीछे पलटने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर अपनी पूरी जान लगाकर मैं वहाँ से भागने लगी। किस्मत से थोड़ी देर भागने के बाद ही मुझे झील नज़र आने लगी। फिर मैं बहुत तेज़ी से झील की तरफ भागने लगी। मैं जानती थी कि वहीं कहीं पर मेरे साथी भी मौजूद होंगे। यही सोचकर मुझे बहुत राहत महसूस हुई। फिर जैसे ही मैं झील के पास पहुंची, वैसे ही मेरे पीछे आती कदमों की वो आवाज़ भी बंद हो गई। कदमों की आवाज़ बंद होते ही मैं समझ गई कि जो जीव मेरा पीछा कर रहा था वो मुझसे कुछ दूरी पर ही रुक गया है। फिर सुरक्षित महसूस होते ही मैंने भी एक झटके से पलटकर पीछे देखा। इसके बाद मैंने अपने पीछे कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसे मैं चाहकर भी कभी भुला नहीं पाऊंगी। दरअसल पीछे पलटकर मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर पेड़ों के पास एक बहुत ही लंबा, पतला और अजीब सा जीव खड़ा है। वो जीव किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उस जीव के हाथ पैर बहुत ही लंबे थे और उसकी आंखें सफ़ेद बल्ब के जैसे चमक रही थीं। वो जीव पेड़ों के पास खड़ा होकर कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरता रहा। इसके बाद वो भागकर जंगल के अंदर चला गया। मैं भी फिर भागकर अपने दोस्तों के पास चली गई। मैंने अपने दोस्तों को मेरे साथ हुई वो पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मेरे सभी दोस्त मुझसे यही कह रहे थे कि पक्का मुझे कोई वहम हुआ होगा। अब कोई मेरी बात का विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे पता है कि उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरा वहम नहीं था, बल्कि वो सब सच था। इस हादसे के बाद मैंने इंटरनेट पर उस जीव के बारे में खोजबीन की। तब मुझे पता चला कि ऐसा ही एक जीव दुनिया भर के जंगलों में पाया जाता है। ये जीव बहुत खतरनाक होता है। ये जीव जंगल में आने वाले लोगों को रास्ता भटकाकर उनको मार डालता है। इस जीव के पास इंसान का दिमाग पढ़ने की भी ताकत होती है, जिससे यह जीव किसी भी इंसान के परिवार या रिश्तेदार की आवाज़ में उसको अपने पास बुलाता है और फिर उसको मारकर खा जाता है। इन अजीब जीवों पर रिसर्च करने वाले लोग इस जीव को फ्लैशगेट कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 रियल हॉरर स्टोरीज। आज मैंने आपको एक नए शैतानी जीव के बारे में बताया है। ये जीव या शैतान जंगल में जाने वाले लोगों को रास्ते से भटकाकर उनको अपना शिकार बनाता है। इस जीव का हुलिया काफ़ी कुछ क्रॉलर या वेंडिगो से मिलता जुलता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस जीव के देखे जाने की और भी कई कहानियां सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और किस तरह की स्टोरीज आपको सुनना ज़्यादा पसंद है आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।